में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिबन के फ्लावर लेकर के आई हूँ। और इसके लिए मैंने देखिए ये पतला वाला रिबन लिया है और सुई धागा लिया हुआ है और तार है। तार में मैंने रिबन लगा लिया है ताकि ये तार ना दिखे। कैंची है, लास है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो स्टार्ट। देखिए मैंने पतला वाला रिबन लिया हुआ है और ये हमने रिबन छोटे छोटे कट कर लिए हैं ताकि हम इस तरह से कली बना सके। मैंने 14 कलियां ली हैं, इस हिसाब से मैंने रिबन कट किया है। आप 14 से ज्यादा 15, 20 जैसा आप चाहें, बड़ा फूल बनाना चाहें उस हिसाब से ये कलियां कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद देखिए हम इसको इसमें इस तरह से रिबन में इसको ऐसे फोल्ड करके, देखिए ऐसे डबल फोल्ड करके इसको ऐसे, देखिए ऐसे सुई धागे से इसको ऐसे सिलेंगे। हमने इसको ऐसे सिल लिया है। अब हम ये दूसरा वाली कली भी इसे बगल में इस तरह से ज्वाइंट करके ऐसे सिलेंगे। देखिए ये देखिए हमने दो कलियां सिल ली हैं। देखिए हम तीसरी कली सिलने जा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम तीसरी कली सिलेंगे यहाँ पर। देखिए ये देखिए हमने तीसरी कली भी सिल लिया। अब हम चौथी कली सिलेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसको हम यहाँ पर ऐसे सिलेंगे। देखिए देखिए ये हमने सिल लिया। देखिए चार कलियां हमने सिल ली है। इसी तरह से हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे ही पूरा सिल लेना है सभी कलियों को। फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ से लेकर पूरा सिल लिया है। मैं 14 कलियों का बना रही हूँ, आप इससे ज्यादा का भी बना सकते हैं। और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए इसको बनाने के लिए हम इसको ऐसे ये मैंने पहले से ही रिबन बांध रखा है इसमें ताकि तार ना दिखे। देखिए अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम इसको ऐसे सुई धागे की मदद से इसको सिल देंगे ताकि ये निकले ना। ये हमने सिल लिया है। अब हम धागे को कट करते हैं। देखिए ये देखिए अब धागा कट करने के बाद हम इसमें, मैं चाहती इसमें टेप लगा सकती थी लेकिन मैंने टेप ना लगा करके इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों हमारा ये फ्लावर बन चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, पार्वती आर्ट चैनल। और धन्यवाद।